दिखाते हैं कि सीएमआर पहुंचने के लिए लंबी कतारें यहां पर लगी हुई हैं और दूर दूर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं सीएम अशोक गहलोत को यहां पर धन्यवाद करने के लिए। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले में लोग आज यहां पर पहुंच रहे हैं सीएम अशोक गहलोत को धन्यवाद करने के लिए। और ये अभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक अलग ही नजारा दिख रहा है सीएम अशोक गहलोत करते हैं। ऐतिहासिक रैली, कभी आज तक जयपुर ने ऐसी रैली नहीं देखी, बिल्कुल अनुशासित और मुख्यमंत्री का आभार जताने आए। ये जो आपको अपार उत्साह नौजवानों में दिख रहा है, ये अपने आप में साबित कर रहा है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के ऊपर उनका कितना भरोसा बढ़ा है। उन्होंने जो युवाओं को, नौजवानों को जो तोहफा दिया है, उसके प्रति कितना आभार जता रहे हैं। ये जोश, इस उम्र को देखिए आप, केसरिया साफा बांधे हुए, वेल ड्रेस, वेल डिसिप्लिंड, और पैदल चल के आए रामनिवास बाग से। सुबह 7 बजे से इकट्ठा होने शुरू हुए हैं, कई दिन की तैयारियां हैं ये, और इससे यह अंदाज लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार के प्रति जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन के बारे में जो सरलीकरण किया है, उसका जबरदस्त फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, अशोक गहलोत जी को मिलेगा। और हम ये मांग भी कर रहे हैं इस मंच से, आपके माध्यम से, कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पूरे देश में राजस्थान के पैटर्न लागू करना चाहिए, ताकि पूरे देश के नौजवानों को, जो वो कहते हैं कि मैं इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया है, अगर वो सही मायने में देना चाहते हैं तो उनको ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको तत्काल हटाना चाहिए। साथ में केंद्र से भी मांग की है और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास वो भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए उनके बीच में आए हैं। रैली में जो राजपूत समाज के लोग आए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं। प्रताप सिंह जी, ऐसी रैली कभी कभी देखने को मिलती है? देखिए, ये अनुशासन प्रिय समाज है और आप खुद जानते हैं कि इस बात को मानकर चलिए कि पथ संचलन इन्होंने किया, शौर्य संचलन किया। ये भारत माँ के वो सपूत है जिनका एक ही नारा है कि केसरिया हमारी आन बान और शान है। तिरंगे में सबके सबसे ऊपर केसरिया है। राजपूत सिर्फ एक जाति नहीं है, विचार है, ये रजपूत है। रज मतलब धरती, पूत मतलब जो धरती पुत्र है उसको रजपूत कहा गया, जो धरती की आन बान और शान के लिए जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश के लिए मरने मिटने का संकल्प ले, उसको धरती पुत्र रजपूत कहते हैं। और आज ये एक डिसिप्लिन में आए, चलकर आए कि जब यहाँ इनका शौर्य संचलन था और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने आए कि वो वंचित वर्ग, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, वो वंचित वर्ग जो आर्थिक रूप से बहुत गरीब था, उसके 10% का आरक्षण मिला, लेकिन जमीन की शर्त डाल दी। यहाँ पर जो जमीन की शर्त डाल दी उसके कारण लोगों को आरक्षण मिल नहीं सकता था, अब वो जमीन की शर्त हटी है। तो हमने तो प्रधानमंत्री जी से भी कहा कि राजस्थान का पैटर्न जो कांग्रेस सरकार ने लागू किया वो पूरे देश में लागू होगा, तो केंद्र की नौकरियों में भी लाभ मिलेगा। यदि जमीन की शर्त राजस्थान में हटी है लेकिन केंद्र की नौकरियों में इसका फायदा नहीं मिलेगा, ये तब मिलेगा जब जमीन की शर्त केंद्र सरकार हटाएगी केंद्र की नौकरियों में। आज ये धन्यवाद देने के लिए आए, और जब जवानी आती है इस बदलाव को लोगों को समझना चाहिए। ये वो बदलाव है राजस्थान में, पूरे देश में, कि आम नौजवान ये चाहता है, उसको अधिकार मिले, सम्मान मिले, और वो अधिकार ऐसा जो सच्चाई का हो। राजनीति में जिस तरह की भाषा बीजेपी बोलती है वो काम उनको केंद्र सरकार से जमीन की शर्त हटानी चाहिए, जिससे केंद्र की नौकरियों में भी इनको आरक्षण मिल सके। राजस्थान सरकार ने जो फैसला किया है उसी की तर्ज पे अब केंद्र सरकार को भी फैसला करना चाहिए, ये कहना है राजपूत समाज के लोगों का और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का।